हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आज मैं बनाने लगा हूँ मूंग की दाल एक अलग से तरीके से। तो ये जो मूंग की दाल है ये मैंने भिगो कर रखी थी और इसके मैंने स्प्राउट्स जो है वो निकले दिए हैं। तो पहले से ही काफ़ी सॉफ्ट है, क्रंची हो चुकी है, तो इसे हम बिना ग्रेवी के बनाएंगे और ज़्यादा कुक भी नहीं करेंगे। तो एक नींबू का रस, एक अनियन, कड़ी पत्ता चाहिए होगा इसमें, और जो इसमें टमाटर जाएंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। इनको प्यूरे करेंगे कुछ मसालों के साथ। तो इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, साथ में कड़ी पत्ता भी इसी में चला जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, और काली मिर्च पाउडर। तो आइए इसको पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, पैन में तेल या घी आप गर्म करें, उसमें डालेंगे हम जीरा और हल्का से तड़कने दें। तो ये जो टमाटर का मसाला हमने रेडी किया था वो भी रेडी है। जीरे के साथ इसे हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, हल्का इसे भुनेंगे, हल्का सा पिंक हो जाए बस। टेस्ट के लिए बीच में थोड़ा सा डालेंगे हम गार्लिक पेस्ट, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, करीब हाफ टी स्पून है ये। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज का कलर हो चुका है पिंक, इसे ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम टमाटर का मसाला और इसे अच्छे से भुनेंगे। तो टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए इसमें। मसाले के साथ इसमें जाएगी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक कम ही यूज़ करेंगे हम। तो मसाले को 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए दोस्तों, मसाला जो है वो रेडी हो चुका है भून के। अब इसमें डालते हैं स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स दोस्तों वैसे भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, आप इनको डायरेक्ट भी स्प्राउट्स को ऐसे ही खा सकते हैं नमक या नींबू रस डाल के इसमें। दोस्तों एक ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे आप एज ए स्टार्टर एपेटाइजर भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं और चपाती रोल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सभी मसालों के साथ इसे मिक्स करके करीब 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो इसे दाल की तरह गलाना या ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रंच ही रहना चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मली स्प्राउट खाते हैं वैसे ही क्रंच ही रहना चाहिए। फाइनली इसमें डालेंगे हम एक नींबू का रस और इसे मिक्स कर लें। तो देखिए दोस्तों, हेल्दी मूंग स्प्राउट्स रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी बनी और कैसी आपको ये रेसिपी लगी। तो इस तरह की रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।